इतना बुरा फील हो रहा है। रात को सुल्तान गया हुआ था, बड़ा वेट किया करते करते मुझे नींद आ गई। ये मेरे ख्याल से गाड़ी के अंदर सो रहे लॉक। सॉरी यार, चला आ जा, एसी चल रहा है ऊपर चल रहा। पूरे 2 बजे सुल्तान के बैसे मिले यार, अभी 5:40 हो गए। मैं जिंदगी में पहली दफा उठते ही साथ ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, मुझे खुद नहीं। लेकिन 2 घंटे बेचारा गाड़ी में सुल्तान है। सुल्तान को भी उठा दिया कि चल भाई उठ, और ऊपर से बारिश स्टार्ट होगी यहाँ पे। चल के भी रोड ढूंढते हैं जो रोड अच्छी है, जिसका सर्विस सही है। मोबाइल वॉलेट चाबी वगैरह उठा के बस निकलने लगा था, ये अम्मी सामने मिल गई और ग्रीन टी मुझे पकड़ा दी है। ग्रीन टी वगैरह पीता और उसके बाद फिर अब और भी काम पड़ गए, पानी भी भर के आ रहे हैं, मटन भी लेकर आने, तो ये सारी चीजें करनी है। लेकिन उससे पहले हम लोग पहले इनको लेके चलेंगे। मेरे हाथ में ये जा, छोड़, मैं मॉर्निंग छोड़े तो एक हाथ से पकड़ लेते हैं। और साइड पे हो भाई, गुड मॉर्निंग जी, तुम्हें निकालते हैं, थोड़ा सा सफर तो करो। तो गुड मॉर्निंग, मेरे ख्याल से पत्थर बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं ना, लेकिन सबसे सेफ अभी इस टाइम नहीं है यहाँ पे, कोई तंग नहीं करेगा हमें अगर इस सारे एरिया के अंदर हो। चला आगे एक और चक्कर मार के आते हैं, इस टाइम वैसे कोई भी नहीं होगा, सुबह के 10 बजे आ जाए, चेक मार के आते हैं। ये सामने वाला चौक चेक करें, ये अच्छा चौक है, बहुत अच्छा चौक है, ये पूरा चौक है, उल्टा जा रहा है, वही पीछे गाड़ियां आ रही हैं यार। किधर जा रहे हैं? पानी पड़ा हुआ है, पानी मसला तो नहीं करेगा। घुमाने की ट्राई तो करूं, लेकिन अगर की लग गई फिर मसला, मुझे कभी नहीं किया हुआ ना मैंने। मैं तो लग कहां सकती है यहाँ पे, लग सकती है ये जो सर्कल है, ये वाला हाँ। अगर इधर ऐसे गोल घुमाओ, अगर डोनेट में ट्राई करूँ इस जगह पे, डोनेट होंगे कि नहीं? कर सकता ट्राई। एक ऐसी जगह मिली है जहाँ पे चांस है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ, वो सामने मेन रोड है और ये सारा पोर्शन है। वैसे कि ट्रैफिक आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन कोशिश कर सकते हैं क्योंकि देखो इस साइड से गाड़ियां भी गुजर रही हैं, इधर से भी गाड़ियां आ रही हैं। थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन वंस लोग देखेंगे ना कि डोनट लग रहे हैं तो शायद मेरे ख्याल से रुक जाएंगे, नहीं भी रुके तो कुछ ना कुछ कर लेंगे। मुझे बहुत अजीब फील हो रहा था कि यार उस जगह पे ट्रैफिक भी आ रही है, लोग भी देख रहे हैं और मैं नूब हूँ अभी ड्रिफ्टिंग में। तो वापसी जाते जाते मुझे एक ये वाली जगह नजर आई है, यहाँ पे जरा घर शहर है, लेकिन पुलिस आ जाएगी, कोई मसला नहीं, पुलिस आ जाएगी, उनको हैंडल कर लेंगे। तो जल्दी से पहले चल के पानी वगैरह भरते हैं, पानी भर के अम्मी को घर वापस देते हैं, उसके बाद जी को निकालते हैं और सीधा यहाँ पे आते हैं। अभी मैं और सुल्तान पानी भर के आ गए हैं, पीछे पानी की बोतलें पड़ी हैं, जाके भी खरीदनी, और साथ अभी पानी भरते भरते हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि यार इधर रहना है अगर तो कोई कर ले, क्योंकि यहाँ के जो इस मेरी मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ ना, यहाँ पे बहुत सारे कुछ वो समझ लो थोड़े स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग हैं, वो बुरा मना जाएंगे, और वो ग्रुप्स ग्रुप्स बने हुए इनके, तो उधर बात फैल जाएंगे कि 2 लोंडे पकड़े गए हैं ड्रिफ्टिंग करते हुए, इनका कुछ जुगाड़ करो, निकालो उनके यहाँ। तो मैंने रहना भी है यहाँ पे, तो यहाँ पे कर नहीं सकते। अभी पानी भरते भरते ना वो सामने अंकल नजर आ रहे हैं, इन अंकल ने हमारी बातें सुन ली, मुझे कहते हैं कि बेटा ड्रिफ्टिंग के बारे में बात कर रहे हो, मैंने गार्डन टाउन सुना है, तो कहते हैं कि मैं गार्डन टाउन में ही रहता हूँ, वहाँ पे इस तरह का कोई सीन नहीं है कि आप लोग जाके ड्रिफ्टिंग कर सको, वहाँ पे कोई जगह ही नहीं है। तो फिर इन्होंने सजेस्ट किया कि ना ट्रैक भी है इधर लाहौर के अंदर, और दूसरा कह रहे हैं कि DHA Phase 6 या Phase 7 चले जाओ, Phase 7 तो बेस्ट है, कहते हैं कि वहाँ पे पार्टी हाउसेज होते हैं, ये वो सारा थे, तो वहाँ पे आपको कोई तंग भी नहीं करेगा। तो अब ऐसा है कि मटन बनवाना है, मटन बनवा के अम्मी को देते हैं, उसके बाद फिर जी को लेकर सीधा DHA Phase 7 जाते हैं, क्योंकि अगर मैंने ये ड्रिफ्टिंग वाला सीन ना किया ना कसम से रिग्रेट रह जाना। अब तो मुझे इवन ख्वाब आने लग गए कि भाई मैंने ड्रिफ्टिंग ना की तो भाई टाइम निकल जाएगा सारा। तो DHA Phase 7 चलते हैं, वो फाइनल डेस्टिनेशन है, वहीं पे चल के आज जरा सीखते हैं, सारा दिन वहां गुजार देना, मेहनत करनी है, यही शौक रह गया मेरे बस बाकी। ये छोटा बच्चों वाला दे रहा है भाई, एक धान से पूरा लिया गया मेरे, बड़ा ना दे, ये इतना बड़ा। DHA की साइड पे पूरी तैयारी के साथ निकल रहे हैं, तो मैं और सुल्तान अभी जा रहे हैं बैरियर टाउन पार्किंग के अंदर, फ्यूल फुल करवाना है। पार्किंग जो होगी वो पीछे होगी, क्योंकि जब जी के लिए ब्रेकर्स वगैरह आते हैं पूरी इसको पैरेलल मोड़ना पड़ता है। सुल्तान बैक साइड पे सारी ट्रैफिक ब्लॉक करेगा, उसके बाद फिर मैं आराम से निकालूंगा, पार्किंग भी जाएगी, इस पार्किंग के भी ये ड्रिफ्ट शिफ्ट में दिखाएगा। एंड फाइनली चौक पूरे होने लगे मेरे बहुत जल्द।
गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है जी? आर यू रेडी टू गो DHA फेज 6 और 7 इस प्यारे से मौसम में? जल्दी से इसका कवर हटा दें। ये कवर चेक करो कितनी मिट्टी इसके ऊपर चढ़ी हुई है। ये सारी की सारी इसके ऊपर होनी थी, लेकिन लास्ट टाइम इसको मैंने वॉश करवाया था इधर ही बैरिया से, साफ सुथरी खड़ी होगी, लेकिन आज बारिश हुई है तो कीचड़ की वजह से सारी की सारी गंदी हो जाएगी, लेकिन कोई नहीं। इसका प्रेशर 140 तक जाएगा तब पूरी जाके उठेगी। फाइनली एक घंटे के बाद जाके अब एक ऐसी जगह मिल गई है जहाँ पे हम लोग सुकून से ये डोनेट्स और ड्रिफ्टिंग वगैरह कर सकते हैं। ये सुल्तान तो स्टार्ट हो गया। यहाँ पे अभी घर बन रहे हैं और उस साइड पे घर बना हुआ है। अगर वो पीछे घर वाले सिक्योरिटी पे कॉल ना करें फिर इजी सीन है। यहाँ पे बस मैं ट्राई करता हूँ डोनेट्स मारने की, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप ही सारा होगा। एकदम से मैं सीख तो नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे घुमाते हैं अभी। देखिए गाड़ी को, देखिए ईबीएस आ रहे हैं और दूसरा वो हैंड ब्रेक वाला आ रहा है। हैंड ब्रेक लगी हुई है? नहीं, क्या करूं? गर्म इजी ब्रेक लग रही है ना तेरी? हाँ। देख, हाँ बस सही है, इजी है। अच्छा ज्यादा कंट्रोल ना हो ना, हैंड ब्रेक पकड़ लेना पूरा ये पे। हाँ हाँ, इजी 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 इजी, यस यस। घुमाता ना, रेस छोड़ता हूँ तो वो पूरी घूम जाती है। ये चीज में नहीं हो रही, पूरे परफेक्ट डोनेट्स नहीं लग रहे पहले। चल मैं फिर से ट्राई करता, चल टायर के स्प्रिंग्स निकल आए हैं। हैवान नहीं, सारा टायर गया, टायर गया सारा। कितने का टायर होता है? 45,000 का, वो देखो। चल रुकना कहीं पे एक मिनट, अभी ये गाड़ी चल नहीं सकती। चल सकती है, चलेगी, लेकिन धक्के लगेंगे। अभी ये गाड़ी रुकी हुई है तो बिल्कुल ठीक है। अभी आप लोग ये आवाज़ सुनना, ये पता नहीं
रिंग रोड की साइड पे जाना है, वहाँ पे टायर का काम ही ना हो जाए। शिट, ये आवाज़, इस आवाज़ में किस तरह मैं गाड़ी चलाऊँ। ओए सुल्तान यार, इतनी ज्यादा आवाज आ रही है, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, 40 की स्पीड पे तो ये हाँ। रोड भी और कहीं नहीं मिलती लाहौर में, देख कितने 4-5 जगह सुबह से हम लोग हो रहे हैं। क्या करें, स्ट्रिप काट ले, जल्द ये स्ट्रिप आवाज दी। हाँ खींच जैसे, नहीं खींचेंगे तो ये और आगे जाती है, वो देख नीचे की साइड पे जा रही है। वो एक पागल है, ये जलाना पड़ेगा, इस साइड पे पेट्रोल होता है ना घर। हाँ ये इस तरह खींचेंगे तो पूरी उतरती आएगी। ये पकड़, ये कुछ ये आवाज यही कर रही है, ब्लेड चाहिए, मैं ब्लेड एक दफा किया। छुरी मिल गई हमें, इसको जरा काटते हैं। सारा टायर फटे हो गया, कैसे निकल रहे थे, इसके ऊपर से कवर उतारा था, कितनी प्यारी लग रही थी, अब गंदी भी होगी और टायर की भी। ये तो ठीक है ना, इसका तो कोई मसला नहीं हो गया। अभी मैकडोनल्ड्स आए हैं सुबह का नाश्ता करने के लिए, वही दोपहर के 2 बजे, और दिमाग काम बिल्कुल नहीं कर रहा, टायर बिल्कुल खत्म हो गया, बस किसी तरह घर पहुंचा। सोचना क्या, नया टायर लगवाना पड़ेगा। आ जा, हाँ इसी तरह की लगवाऊंगा टायर, मैं जोन से भी लगवाने हो ना। जी के टायर खत्म करने के बाद अब आ गया हमारा नाश्ता, तो ये जरा खाते हैं पीते हैं उसके बाद फिर निकलते हैं। बर्गर दो मेरा, क्या क्या फाद आपने। लाहौर में रहते हुए कभी बिलालगंज का चक्कर ना लगे तो किस तरह के लाहौरी। पहली दफा बिलालगंज में आया, वो रेस पार्किंग के कुछ काम वगैरह करवाने वाले थे छोटे मोटे, तो वो बस उसी के सिलसिले में आए हैं। किसी के साथ मैं आप लोगों को बताता चलूं 1xBet के बारे में, एक स्पेशल ऑफर आई हुई 1xBet वालों की, ऑफर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या है, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने 1xBet को इंस्टॉल करना है। वंस आप लोग डाउनलोड कर लोगे, आप लोगों ने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर लेनी, प्रोमो कोड के सेक्शन में मेरा प्रोमो कोड एंटर करना है, सेक्शन में आप लोगों ने काकू 1x लिख देना, उसके बाद आप लोगों ने 1x गेम के सेक्शन में जाना और वहाँ पे बहुत सारी बेतहाशा गेम्स ही गेम्स, कोई भी गेम सेलेक्ट कर सकते हो और उसको खेल सकते हो। वंस आप लोग सारे रजिस्टर वाला सीन कर लोगे, उसके बाद आप लोगों को 30 फ्री स्पिन्स और 390 यूरो बोनस मिलेगा। बिलालगंज के अंदर कोई 2 घंटे हो गए हमें और गाड़ी का काम अभी भी चल रहा है, चले जा रहे हैं, लेकिन मसला अभी तक हल नहीं हो रहा। तेरा पाउंड लग गया, वो देख रात के 2:40 हो रहे हैं और अब जाके हम लोग फ्री हुए हैं। मैकेनिक भी हमारे साथ ही बैठे रहे, गाड़ी का काम करवाते रहे, बहुत ज्यादा थकावट होगी इसी के साथ। आज के लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये सब्सक्राइब वाले बटन लाजमी प्रेस कर देना। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अंसिल, बाय।